लगा रहा था, क्या मिला तुझे तो गफलत में उसने याद किया, नींद की हालत में याद किया, उंगली की हालत में याद किया, इसको क्यों जवाब दिया? सुभान मेरे अल्लाह ने जवाब में मलाइका को फरमाया, अगर बातिल भी जवाब ना दे, हक भी जवाब ना दे, तो फिर हक और बातिल में फर्क कैसे? जो अल्लाह अपने दुश्मन को गफलत में बुलाने पर भी जवाब देता है तो पहला जुज यही है। दूसरा जुज मैं सिर्फ शुमार कर लेता हूँ, बहुत मुख्तसर है। दूसरा जुज यही है, अल्लाह की नियमतों को सोचा, मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। आपने बर्ताव हम अल्लाह के साथ बर्ताव करते हैं, वो नेमत दे रहा है और हम माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, फर्जी नमाज ही नहीं पढ़ते, ऐसे बदमाश हो गए। अल्लाह की नेमतों की बारिश और हमारा बर्ताव, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ार भी फरमाया करते हैं, अल्लाह भी बड़ा मेहरबान है, हम जैसे नालायकों के साथ भी वो गुजारा कर रहा है, हमारी बेहयाइयों की इंतहा है, लेकिन फिर भी वो रास्ते रोकता जब अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे तो मुनअम के साथ मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है, इससे भी अल्लाह की मोहब्बत से दिल लबरेज होता है। और तीसरा काम बड़ा आम है कि अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करो, उनसे मिलने की यही एक राह के मिलने वालों से राह पैदा करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, मोहब्बत वालों का दामन पकड़ लो। हजरत गंगोही, हजरत नानोती, सैयद हुसैन अहमद मदनी, इन सब लोगों ने एक अल्लाह वाले का दामन पकड़ा। उस जमाने में लोगों ने कहा, ये अजीब लोग हैं, इनको क्या पड़ी है अल्लाह वाले के दामन को पकड़ने की, इनको क्या जरूरत है? हजरत गंगोही ने फरमाया, भाई मसाइल तो हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन मसाइल पर अमल करने में जहाँ नफ्स रुकावट बनता था, शैतान रोड़े अटकाता था, उस नफ्स के रोड़ों को दूर करने के लिए हम अल्लाह वाले के सुभान अल्लाह। ये सवाल होता है, अल्लाह वाले हैं कि कहाँ मरे, कहाँ से तलाश करें? हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की कहते हैं, सालो तुम्हारे पास जो बर्तन है ना छोटा सा, इस बर्तन को भरने के लिए बड़े टैंक की जरूरत नहीं, छोटी सी टैंक भी काफी है। इसी दौर के जो अल्लाह वाले हैं उन्हीं से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है, अपने सादा दिल को इश्क वाले दिल के साथ मिला के रखो, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे कि आग लगती नहीं बुझाई जा सकती। अगर आपने सच्ची तलब अपने अंदर पैदा कर ली और इस दिल में अल्लाह वाले दिल की इश्क की आग को मुंतकिल कर दिया तो तुम भी अल्लाह के आशिक बन जाओ। और चौथी चीज है, जाहिरी अहकाम पर पाबंदी से अमल भी करो। 10 मिनट तो अल्लाह का करो जिक्र, बाहर आकर लोगों की जमीन पर कब्जा कर लो, मैं का मीरास उसको ना दो, हराम काम का इंतकाब करो। जो मोहब्बत जिक्रुल्लाह की वजह से कायम हुई थी उसका सब खिलास होता है। जाहिरी अहकाम पर पाबंदी से अमल भी करो और आखिर वक्त में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने एज्ज का इजहार करो, ऐ अल्लाह मेरे बस में तो यही था, मैंने अल्लाह वालों का दामन भी पकड़ लिया, तेरे अहकाम की पाबंदी भी की है, तेरा जिक्र भी कर रहा हूँ, लेकिन जब तक तू अपने फजल से अपनी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं डालेगा कहाँ से आएगी? मेहरबानी कर हमारे दिल को मोहब्बत से लबरेज भी कर। अगर ये 5 अज्जा का नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी। अब नफ्स के ख्वाहिशात को तोड़ना, अल्लाह के हुक्मों को बचाना आसान हो जाए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। Thank you.